ज्याच्या आगमनाची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली होती तो मान्सून आज अखेर राज्यात दाखल झालाय. संपूर्ण केरळ व्यापून टाकून मान्सून देशात प्रवेश केल्यानंतर तो आता कोकण किनारपट्टीवर येऊन धडकलाय. दक्षिण कोकणच्या काही भागात रत्नागिरी पर्वत पर्यंत आणि संपूर्ण गोवा राज्य त्यानं व्यापून टाकलंय. एक दिवस उशिरानं त्यानं कोकणात हजेरी लावली. मान्सूननं राज्यात दिमागदार प्रवेश केलाय. रायगड, मुंबई, पुणे आणि मध्य महाराष्ट्रात लवकरच मान्सूनचं आगमन होईल आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही पावसाला सुरुवात होईल. पुढील 72 तासात मध्य अरबी समुद्र कोकण आणि कर्नाटकच्या भागात तर येत्या 48 तासात कोकण गोव्यात बहुतांश ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाड्यात काही ठिकाणी तर विदर्भात तुरळक पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. मान्सून की वर्तमान स्थिती अच्छी है. आज कुछ और उत्तर की तरफ मान्सून बढ़ा है. अभी भी आज हमने गोवा मतलब कवर किया है. मान्सून पूरा गोवा कवर कर लिया है और कोंकण के दक्षिणी टिप को वेनेगुरुला एक जगह है वहाँ से होते हुए दक्षिणी कर्नाटका के हिस्से चित्रदुर्ग होते हुए तमिलनाडु रायलसीमा होकर के ये लाइन बढ़ रही है. वो लाइन आप देख सकते हैं और अगले 72 घंटे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोंकण के और भाग मध्य महाराष्ट्र के भाग या रायलसीमा में मानसून प्रवेश करेगा. पूरे महाराष्ट्र का तो हम तुरंत भी नहीं, विदर्भा जो है हमारा जैसे कहते हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले 72 घंटे में मानसून मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा और कोंकण एंड गोवा में प्रवेश करेगा. बारिश का तो पूर्वानुमान आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरे देश में 98% वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है और सेंट्रल भाग जिसमें महाराष्ट्र भी आता है उसमें ऑलमोस्ट 100% बारिश होने की संभावना है. तो बारिश का पूर्वानुमान तो ठीक है, बाकी ये पूर्वानुमान है. कैसी बारिश होती है अब ये समय बताएगा और लेकिन चांसेस अच्छी बारिश की. मतलब अभी सिर्फ 72 घंटों में महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं. हाँ, पूरा महाराष्ट्र नहीं, विदर्भा छोड़ कर. हाँ, विदर्भा को हमने नहीं कहा है. मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, रायलसीमा.